अभी अधिकारों की बात करेगा उसे भेज देगी सरकार। भाई थोड़ा शांत हो जाओ, पीछे शांत हो जाओ। नहीं, तानाशाह लोग हैं, पूर्ण बहुमत सरकार है, जिसे मर्जी चाहेगी गरीब को, दलित को, मुस्लिम को उठा के जेल भेज देगी। ओबीसी वर्ग किसी व्यक्ति को जो ईमानदारी से अपनी बात रखेगा, जो इनके खिलाफ बात करेगा, जो इनकी सही गलत नीतियों के खिलाफ बात करेगा, उसे जेल भेज देगी। तो मैंने उत्पीड़न के खिलाफ बात की, मुझे जेल भेज दिया। क्या आप मानते हैं कि आपको जो जेल भेजा गया साजिश के तहत भेजा गया? हाँ, बिल्कुल साजिश थी। मैंने एक दलित मुस्लिम दंगा होने से यहाँ बचा दिया था, जो सड़क दुदली में होने वाला था। मैंने दोनों समाज से अपील की कि आप लोग मत लड़ना, ये बीजेपी की चाल है। तो उन्हें दिख गया कि यार ये रहेगा तो दंगा नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे। लेकिन जो रासुका लगाई गई वो आपके ऊपर लगाई गई, और वो यही कह के लगाई गई कि आपके द्वारा दंगे कराए। मैं इस पर तो इतना कहना चाहूँगा, सरकार तो किसी कुछ भी कह सकती है। सरकार तो सिर्फ जाति के नाम पे पकड़ के लोगों को जेल भेज रही है। वहाँ मुसलमानों को मिलता हूँ, वहाँ दलितों को मिलता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग के लोगों को मिलता हूँ, जाति के नाम भेज देती है। ये तो कोर्ट तय करेगा कि उन्होंने, वो थोड़े तय कर देंगे। उनका काम है कि वो जब एप्लीकेशन आए उस पर कार्रवाई करें, लेकिन न्याय तो करें। हमारी इतनी एप्लीकेशन नहीं थी, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन आज आपको जो जेल से जो रिहा किया गया है, हालांकि डेढ़ महीना रह गया था आपकी जो रिहाई का जो समय था उसमें, डेढ़ महीना रह गया था, डेढ़ महीने पहले जो अनुकंपा जो करी है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? केवल डेढ़ महीने की जो अनुकंपा, उसमें उनकी साजिश मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई मामला करा के और फिर मेरे ऊपर ये राशि का जो है दोबारा से लगाना चाहता है, क्योंकि मैं नवंबर में आया था और कल सुप्रीम कोर्ट में मेरी डेट थी, तो सुप्रीम कोर्ट से मुझे रिलीफ मिल ही जाता, क्योंकि इनके पास कोई आधार ही नहीं था वहाँ टिकने के लिए। तो इनके वकील ने कहा होगा इसे छोड़ दो, कल तुम पे सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। तो मुझे लगता है दोबारा लगाने के लिए मुझसे चुनाव ये बचाना चाहते हैं। इन्हें पता मैं समाज के लोग कहूँगा तो समाज के लोग इन्हें वोट देंगे, तो इस वजह से मुझसे चुनाव बचाना चाहते हैं। इसलिए दोबारा लगाने की मंशा से मुझे ये अनुकंपा की, अनुकंपा नहीं साजिश है। और इस साजिश का 10 दिन में मेरे हिसाब से मीडिया को पता लग जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि जो आने वाले चुनाव है उसमें जो है भाजपा जो है दलितों के वोट को लेके दलितों को अपनी तरफ जोड़ना चाहती है आपके माध्यम से? दलित जो है ऐसा तो नहीं, दलित जागरूक हो चुका है, वो दलित विरोधी किसी भी सूरत में वोट नहीं देगा, और भाजपा का तो बिल्कुल भी नहीं देगा। किसी भी सूरत में भाजपा को दलित समाज वोट नहीं करेगा। बहुजन समाज इकट्ठा होके पूरा महागठबंधन के साथ जाएगा। जो पार्टियां गठबंधन से भाग रही हैं उन्हें भी सामाजिक तौर पर प्रेशर करके मजबूर करेंगे गठबंधन करें, और इस तानाशाह सरकार को जो अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरी है, काले अंग्रेज सरकार, इसे उखाड़ देंगे। जय भी। आज जो बना हुआ है माहौल इस तरह का बना हुआ है, और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो गठबंधन की सरकार अब आए, तो आप उसके बारे में, क्योंकि आपसे ये कहा गया कि आपका जो संगठन है वो गैर राजनीतिक है, और अगर राजनीति में अगर आपको जो मौका मिलता है तो आप क्या करेंगे? अभी हमारा राजनीति करने कोई मन नहीं, हम तो सिर्फ इस व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। हमें चाहते हैं आरक्षण से जो प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिला है दलित समाज के लोगों को, उसमें जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे संसद में या विधानसभा में, उनमें वो लोग जाएं जो समाज की बात करें। ऐसे लोग ना जाएं सिर्फ जो पैसे वाले लोगों हमारे ऊपर थोप दे जाएं, वो जाएं और फिर अपने व्यापारी हो जाएं, वो हमारी आवाज़ नहीं उठा सकते। हमारी आवाज़ वही व्यक्ति उठाएगा जो हमारे बीच का होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इस व्यवस्था को बदलने का काम करें, वही लोग जो काम करें, जो लोगों के बीच रहें, लोग परेशान है समझे, जिन्होंने उत्पीड़न देखा हो, सहा हो, जो जमीनी तौर पर जानते हों, उन्हीं लोगों को विधानसभा और संसद में भेजने के लिए हम लोग अब बिल्कुल तैयार हैं। हम प्रयास करेंगे जागरूक लोग ही उन कुर्सियों पर जाएं, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप लोग राजनीति नहीं करोगे तो अयोग्य लोग आपके ऊपर राज करेंगे, उन कुर्सियों पर जाकर बैठ जाएंगे। अभी वही हो रहा है। आपके संगठन का उद्देश्य क्या था? समानता, और एक दलित समाज और बहुजन मूवमेंट का, जितने बहुजन समाज का जो साहब काशीराम की आइडियोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसका जब तक आर्थिक रूप से उसका विकास नहीं होगा तब तक हम लोग काम करते रहेंगे। बाबा साहब के सपने का भारत जब तक नहीं बनेगा, प्रबुद्ध भारत नहीं बनेगा, तब तक हम लोग काम करते हैं। लेकिन आज भाजपा कहती है कि दोनों वो जो है सभी समाज को, जो सभी वर्ग को जो एक साथ लेके चलना चाहती है, और इसी वजह से वो आरक्षण को जो है, आरक्षण के मुद्दे को भी उठा के खड़ी है। हाँ, भाजपा तो बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, 56 इंच का सीना है, बताइए क्या साबित हुआ? ऐसा कहता हुआ क्या? जो लोग कहते हैं और जो दिखावा करते हैं उनका छल दिख जाता है। SC ST एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट में वो एविडेंस प्रस्तुत करती है, सरकार कोर्ट एडिशन ये बात साबित करता है कि सरकार ने एविडेंस दिया, फिर सरकार अध्यादेश लाती है, तो वो एक तरह की पॉलिसी यूज करती है, एक हाथ से चाटा मार, दूसरे हाथ से छुरा घोंप दिया। तो उनकी चीजें समझ चुके हैं, अब हम घबरा नहीं होने वाला। और बिल्कुल सत्य है कि भाजपा बिल्कुल पूर्ण रूप से उनकी मानसिकता है वो नागपुर से चलती है, वो बिल्कुल सत्ता है, वो दलित समाज के बिल्कुल विरोधी है, और मुसलमानों के भी और ओबीसी वर्ग के विरोधी। इसमें भी एक लैंचू देखे उनसे अपना काम चला रहा है धर्म के नाम पे, वो बंद हो जाए। अच्छा, एक सवाल के जेल छात्रों तो बहुत कुछ सीखने को मिला और देखा कि सरकार किस तरह से निर्दोष लोगों को उत्पीड़न करती है। क्योंकि जब मैं लोगों से मिलता था तो लोग बताते थे भैया सिर्फ हमारा इतना फर्ज है कि हमें मुसलमान थे, हमें पकड़ा और जेल भेज दिया, और हमसे पूछा भी नहीं गया। फर्जी इनकाउंटर हुए, जो लोग जेल आए हम उनसे मिले, हमने पूछा भाई बताओ क्या थे, कोई कोई मस्जिद से नमाज पढ़ के निकल रहा था,
कोई जमात में जा रहा था उठा के गोली मार के भेज दिया, तो इन सबकी जांच होगी, जब सरकार ने पहले की जांच होगी इन सब चीज़ों की। और ऐसे ही दलित समाज के लोगों को मेरठ के 3 लोग पकड़े, नकुड़ थाना अध्यक्ष ने भेज दिए, और उनका कसूर ये था कि वो दलित समाज के थे। तो मेरी समझ में आ गया कि ये सरकार अपनी तानाशाही बरकरार करने के लिए जो लोग भी जिन्हें लगता है कि ये लोग जाग रहे हैं उन्हें जेल डालने काम करती है, राशुका लगाती है, मरवा देती है, खरीद लेती है। अब चंद्रशेखर नहीं बिका तो राशुका लगा दी, तो अब प्रयास उनका ये था कि ये चुप रहे। अब चंद्रशेखर चुप रहने वाले कैराना चुनाव में दिखाई मैंने इनके औकात, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे थे, हमने लोगों से एक निवेदन किया और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, 15 महीने आप जेल में रहे, 15 महीने आपके इन सब साथियों ने आपका सहयोग किया, साथ दिया, इन लोगों के लिए आप क्या कह रहे हैं? ये मिशन किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, ये सामूहिक मिशन है, संगठन है, ये इन सब लोगों की कुर्बानी है, बलिदानियों की वजह से चल रहा है। इन सब लोगों ने बहुत काम किया और इन्होंने, क्योंकि ये इनकी जरूरत है, इन्हें करना पड़ेगा, ये इस समय का जो माहौल है उसमें करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत जिम्मेदार से काम किया मेरे पीछे, मेरे साथ मिलकर बहुत जिम्मेदार से काम कीजिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप मेरे सभी, क्योंकि मैं बहुजन मूवमेंट में हूं तो मेरा बहुजन समाज के सभी लोग मेरा परिवार है। अब सिर्फ एक चंद्रशेखर जिस माँ से पैदा हुआ वो मानी है, पूरे समाज की भीम आर्मी के एक बच्चे की कार्यकर्ता की माँ भी मेरी माँ है और उनका परिवार भी मेरे सगे संबंधी है। मैं उनके लिए न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। मेरा कोई व्यक्तिगत परिवार अब नहीं रहा है, मेरा पूरा समाज ही परिवार है। क्या अब आगे जो है, आगे आपको लगता है कि आपके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई है? हाँ, मुझे पूरा भरोसा सरकार में की हिम्मत नहीं है मेरा सामना करने की, वो रेस में अकेले दौड़ के कहना चाहती है कि हम बहुत बड़े बलवान हैं। मैं चाहता हूँ मेरे बाहर, मुझे बाहर रहने तक दौड़े वो, मैं भी देख लूँ कितने पानी में सरकार। आप किस पार्टी के साथ में आगे बढ़ना चाहेंगे? मेरा पूरा प्रयास है कि मेरा बिल्कुल मन है कि हम भाजपा को सत्ता से उखाड़ पाएंगे, लेकिन मेरा राजनीति करने का मन नहीं, तो 2019 में हम लोग गठबंधन के साथ ही जाएंगे।